वर्क कर देते हैं। वर्क करने के बाद यहाँ कौन प्रॉपर्टी काम करेगा? दो नंबर प्रॉपर्टी आपको याद है? तो दो नंबर प्रॉपर्टी यही ना होता है जेड गुना जेड का कंजुगेट बराबर फोर जेड का होल स्क्वायर। और यहाँ ऐसा लाने का तर्क क्या है कि इसमें से जरूरत कौन सा है, जेड का मान निकाला जाएगा चाहे जेड का कंजुगेट का मान क्यों हम ऐसा सोचे? देखिए यह आपको दिया गया है यहाँ जो पर चीज की जो इतना बराबर इतना जिसमें वन बाई जेड वन दिखाई देगा जेड वन जो मोड दिया है और लेकर चलने वाले में क्या दिखाई दे रहा है तो वहां वो प्रॉपर्टी लागू होगा तभी तो इसका मान आएगा। ठीक है, अब सवाल बना में हम लोग लिखेंगे कि यह दिया क्या है इव है इतना और इसमें से एक को लेकर चल रहे हैं सबका मान किसके बराबर है तो एक का मान ले लेते हैं क्योंकि मोड जेड वन बराबर कितना है अब क्या करें बोलें। ठीक है, स्क्वायरिंग का उसको वर्क करने और स्क्वायरिंग करें तो कितना जाएगा और जेड वन का स्क्वायर बराबर वन का स्क्वायर वन हुआ और इस पर प्रॉपर्टी लागू तो प्रॉपर्टी का अंदर बताइए जेडवन गुना जेडवन के कंजुगेट बराबर भाई प्रॉपर्टी। अब यहाँ तो लिख दे रहे हैं लेकिन परीक्षा में तो जो है लिखना पड़ता है कि कौन प्रॉपर्टी है वो। और यहाँ से अब हम मान निकाल लेते हैं जेडवन का कंजुगेट का कितना होगा यानी कि वन बाई जेडवन का मान निकाल बोलिए। और इसी प्रकार अब इसको लेकर चलेंगे इसी तरह का रिजल्ट आएगा लेकर कहते हैं सिमिलरली क्या हुआ बताइए तब जेटू का कंजुगेट कितना होगा वन बाई जेटू होगा जेट थ्री का कंजुगेट कितना होगा। ऐसा क्यों हम लोग सोच रहे हैं कि यह भी उसी रिलेशन का पालन कर रहा है वो भी मान के और अब इसको लेकर चले अब हमको लेकर चलना है या क्या है एल एच एस अब पूरा बाया और यह लाना है दाया पक्ष यहाँ लिखे तो अब हम वन बाई जेड वन का मान निकाले हैं तो इसके जगह रख देते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अब मान निकालने रखने के लिए तो रखते हैं कितना आ गया जेड वन का कंजुगेट वन बाई जेड टू बराबर